Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फाइनल ईयर सिक्स सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें से ये दो क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट में रिसेंट के एग्जाम्स में पूछी गई थी 3-3 मार्क्स में। इन क्वेश्चंस के अलावा आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर ही ये वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, पायरोल और सिंथेसिस या फिर बेसिक कैरेक्टर ऑफ पाइरिडीन, पाइपरिडीन, पाइरोल, ये भी दो बार पूछा गया था क्वेश्चंस। पाइरिडीन के अंदर 3 पोजीशन पे ESR होती है एंड पाइरोल के अंदर 2 पोजीशन पे होती है, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। एंड MOT के बेस पे पाइरोल एंड पाइरिडीन का एरोमेटिक कैरेक्टर पूछा जाता है। नेक्स्ट वन, ये हमारे यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से स्टार मार्क वाले 2-3 बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये यहाँ पे इनकी जो सिंथेसिस है 3-3 मार्क्स में पूछी जाती है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस भी यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन भी 23 के एग्जाम्स में पूछा गया था, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनिक एसिड सल्फोन अमाइड्स को डिफाइन करना। एंड नीचे यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा यूनिट थर्ड के अंदर आपको डिफरेंस भी करना पड़ेगा, मैकेनिज्म ऑफ क्लेजियन कंडेंसेशन 2-3 बार 3 मार्क्स में पूछा गया था। एंड कन्वर्जन या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जाता है। एंड जिग्लर नेटा पॉलीमराइजेशन विद मैकेनिज्म 2-3 बार 3 मार्क्स में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, ये यहाँ पे 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से प्रोटीन के स्ट्रक्चर ज़्यादातर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये सारे 3-4 बार पूछे गए थे एंड बाकी क्वेश्चंस 1-2 बार पूछे गए हैं। इनके अलावा 4th यूनिट के अंदर आपको ये दोनों क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन 23 के एग्जाम्स में पूछे गए थे एंड कंपल्सरी सेक्शन के अंदर 1 मार्क के क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं, जिसमें से टैपलोन हो गया, नाइलोन 6 हो गया, या फिर इनके मोनोमर यूनिट्स को भी पूछ लिया जाता है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको अच्छे से कर लेना इनको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, या फिर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड स्टार मार्क वाले क्वेश्चन आपको पक्का करने हैं, उसके अलावा अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो सभी क्वेश्चंस को कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।